टेक्निकल चैनल यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका एक बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ स्वागत है। साथियों आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि DFCCIL का जो एग्ज़ाम है वो 27 से 30 सितंबर को होने वाला है, उससे संबंधित उन्होंने क्या है दो नोटिस और डाल दिए गए हैं। उन नोटिस में बताया गया है, एक में तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो कैसे आप देख सकते हैं और उनका लिंक ओपन कैसे होगा, तो ये उसमें बताया गया है। सेकेंड नोटिस है उसमें क्या है जो आपका एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित डाउट है उसको क्लियर करने के लिए बताया गया है। तो पहले ये मॉक टेस्ट वाला देख लेते हैं, तो आप मॉक टेस्ट देख लीजिए कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ मॉक टेस्ट है ये लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, ये लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप इसे मिल जाएगा। यहाँ से इसको क्या करना है आपको छोड़ देने से छोड़ दीजिए। इसके बाद आपके क्या ये लिंक ओपन हो गया है, यहाँ से आपको क्या साइन इन करना है, अपना रजिस्टर नंबर कुछ नहीं डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बाद ही आपको क्या यहाँ पर इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है वो चूज कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करें यहाँ पर क्या निर्देश को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्या आपको जो आपकी लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर दीजिए, और इसके बाद आप क्या यहाँ से ज्वाइन करके आप इसे देख सकते हैं। तो ये था मित्रों मॉक टेस्ट से संबंधित, और उसके बाद जो सेंटर से संबंधित डाउट आ रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। सेंटर से संबंधित दो डाउट आ रहे हैं। पहला डाउट है कि एक तो किसी के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए उनके लिए ये सॉल्यूशन है, और दूसरा है कि जिनके सेंटर आए हैं उनमें कईयों के सेंटर ऐसे हैं जो इनमें दिए हैं वो सेंटर नहीं है। तो जिनके सेंटर आ चुके हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है तो इनमें जो सेंटर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने सेंटर पर जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम दे दें, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा है जिनके का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं है उनके लिए क्या है ये सॉल्यूशन है। जैसे ये सेंटर दे रखे हैं आप देख सकते हैं, जैसे बिहार के अंदर पटना, झारखंड के अंदर रांची, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग दिया गया सेंटर। इन सभी का सॉल्यूशन है कि ये नीचे लिखा गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, UAPDF हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर इसमें दिया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप जो कि आपके नज़दीक सेंटर लगता है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश है, आप भोपाल के नज़दीक है, आपका जो भोपाल केंद्रीय एड्रेस है इस पर आप जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर अपना जो मैं अपने फॉर्म भरा था, और आप ID लेकर जाइए और जो भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाए थे वो लेकर जाइए, और वहाँ पर क्या आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अपनी समस्या को बता दीजिए, आपका वहाँ पर निदान हो जाएगा। इस प्रकार के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। तो ये थी आज के लिए मित्रों इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी अच्छी लगी अपने मित्रों को भी शेयर कर देना जैसे कि सभी को प्राप्त हो जाए। चलो साथियों चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही है, और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट और सारी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले बता दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।